This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है जनरल प्रोविजंस एज टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से मुतालिक कुछ प्रोविजंस हैं जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एक्ट टू ओवरराइड। एक्ट से मुराद यहाँ पे कंपनीज एक्ट है और लफ्ज ओवरराइड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि ये वर्डिंग में यहां से पढ़ू, थोड़ा सा इसका पस मंजर आपको बता दूं, बैकग्राउंड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका, उसके बाद फिर इस वर्डिंग की तरफ आते हैं, आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, हम ये जानते हैं कि कंपनी जिन रूल्स को फॉलो करती है उनमें सबसे टॉप के ऊपर वो कंपनीज एक्ट है, उसके बाद फिर मेमोरेंडम है, उसके बाद फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। और हम ये भी जानते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसी बात या पॉइंट या प्रोविजन नहीं लिखी जा सकती जो कि कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन के खिलाफ, उसके अगेंस्ट हो। अब मिसाल के तौर पे अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसी बात लिख भी दी गई कि जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के खिलाफ है, ऑपोजिट है, तो इस सूरत में वो आर्टिकल्स में लिखा गया जो पॉइंट है वो वॉइड होगा, एक्ट उसे मुस्तरद कर देगा। एक्ट के तहत वो जो प्रोविजन है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है, जो कंपनीज एक्ट कि किसी प्रोविजन से मुतजाद है, उसके अगेंस्ट है, उसके ऑपोजिट है, तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो रिजेक्टेड है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो वॉइड है, वो इनवैलिड है। जरा बता दें, इतनी बात समझ आ गई आपको? जरा मुझे बता दीजिएगा प्लीज, ये जो मैंने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बोले हैं ये समझ आ गए आप सब लोगों को? ओके, तो ये है एक्ट टू ओवरराइड का मतलब, ठीक है। अब इसमें एक और बात आपको बता दूं, फिर इस वर्डिंग को पढ़ते हैं। अगर तो कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जनाब या तो इस प्रोविजन में लिखे हुए उसूल पर कंपनी अमल कर ले, या इस उसूल पे अमल किया जा सकता है, या इसके बरअक्स अगर कंपनी खुद से अपने आर्टिकल्स में कुछ लिख ले तो उस पर भी अमल किया जा सकता है। तो अगर तो किसी प्रोविजन में, कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन में ये बात मेंशन है, तो इस सूरत में तो हम उस पे अमल कर सकते हैं कि जो आर्टिकल्स में लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि उसकी लॉ ने खुद अलाउ किया था। बट अगर कंपनीज एक्ट में कहीं पे किसी प्रोविजन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला नहीं लिखा गया, तो फिर कंपनीज एक्ट की ही प्रोविजन एप्लीकेबल होगी और वही काबिले अमल होगी और वही एनफोर्स्ड होगी। फिर चाहे आप मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में जो मर्जी लिख लें, उसकी फिर कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, क्योंकि सबसे मुकद्दम और बर्तन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनीज के लिए, वो कंपनीज एक्ट के हैं जिनको कंपनीज फॉलो करती हैं। जी जरा बता दें, ये भी बात समझ आ गई? जो अभी आपको लेटेस्ट बात बताई है ये भी समझ आ गई? अच्छा, अब आप यहां से पढ़ना शुरू करें। अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये अभी अभी जो मैं आपको बात बता रहा था ये वो जुमला लिखा हुआ है। अगर तो कंपनीज एक्ट में वाजे तौर पर मेंशन्ड है तो उस सूरत में तो चले, अगर किसी प्रोविजन में ये मेंशन्ड है कि जनाब इस प्रोविजन में जो उसूल बयान किया गया है, इसकी बजाय अगर कंपनीज अपने आर्टिकल में लिख लें तो चलें उस पर अमल कर लें। अगर तो लॉ खुद अलाउ करता है तो उस सूरत में तो आर्टिकल्स में लिखे गए उसूल पे अमल किया जा सकता है, वरना द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल हैव इफेक्ट, वरना फिर इस एक्ट की प्रोविजंस ही इफेक्टिव होंगी, वही काबिले अमल होगी, नॉट विथस्टैंडिंग
एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ, फिर चाहे किसी और कानून में जो मर्जी लिखा हुआ हो, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ मर्जी लिखा हुआ हो, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो मर्जी लिखा हुआ हो, या अगर कंपनी ने किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया है, फिर चाहे उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जो मर्जी लिखा हुआ हो, या इन एनी रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और बाय इट्स डायरेक्टर्स, या फिर जनरल मीटिंग में अगर कोई रेजोल्यूशन पास की गई हो, या डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास की गई हो, फिर चाहे उसमें जो मर्जी लिखा हुआ, ठीक है, ये चीजें फिर काबिले अमल नहीं होंगी। काबिले अमल क्या होगा? जो कानून में लिखा हुआ है, जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको ये पॉइंट समझाता हूँ, इंशाल्लाह मजीद बेहतर अंदाज में आप समझ जाएंगे। देखिए, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स की कम से कम तादाद 7 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए कानून कहता है कि कम से कम 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और अनलिस्टेड कंपनी के लिए डायरेक्टर्स की कम से कम तादाद 3 है। अब कंपनी लॉ तो ये कह रहा है, अब अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिख दिया जाए कि जनाब हमारी जो ये अनलिस्टेड कंपनी है, इसमें डायरेक्टर्स की कम से कम तादाद 2 होगी, अब आप ही मुझे बता दें, फिर ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसके ऊपर अमल करेंगे, या कि ये प्रोविजन जो आर्टिकल्स में लिखी गई है ये इनवैलिड और वॉइड कंसिडर की जाएगी, बताएं जी आप लोग। बिल्कुल, ये वॉइड होगी या इनवैलिड होगी, इसकी कोई हैसियत नहीं है, एक्ट इसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, जब कानून में लिख दिया गया कि जनाब कम से कम 3 होने हैं डायरेक्टर्स अनलिस्टेड कंपनी के लिए, तो कंपनी इसको कम नहीं कर सकती। ठीक है भाई, जरा बता दें बाकी सब लोगों को भी समझ आ गई है, ये वाली एग्जांपल जो मैंने कोट की है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर कंपनी ने चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर कंपनी ने चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया और उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जी अगर आप डिविडेंड वक्त पे ना भी करें ना, तो कोई बात नहीं, आप कसूरवार नहीं ठहराए जाएंगे। अरे जनाब, जो कंपनीज एक्ट है उसमें वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि डिविडेंड वक्ते मुकर्रा पे अदा किया जाए शेयर होल्डर्स को, अगर विद इन द ड्यू टाइम जो लॉ ने बताया हुआ है उस ड्यू टाइम के अंदर अंदर अगर डिविडेंड की अदायगी नहीं की जाएगी तो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कसूरवार होगा और उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी। अब एक तरफ कानून में ये लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उस एक चीफ एग्जीक्यूटिव के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि नहीं जी आप कसूरवार नहीं होंगे। चले अब वंस अगेन मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप लोग बता दें फिर, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई ये बात काबिले अमल होगी या इन्फोर्सेबल होगी, जबकि कानून कुछ और कह रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वो जो प्रोविजन लिखी गई है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो वॉइड होगी, वो इनवैलिड होगी। जी एग्जांपल्स के जरिए समझ आ रही है जी बेहतर, जो एग्जांपल्स आपको कोट कर रहा हूं साथ साथ। एक और एग्जांपल ले लें, कंपनी एक्ट कहता है कि माइनर पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकता कंपनी में, और अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिख ले कि जनाब माइनर पर्सन भी डायरेक्टर हो सकता है, आप फिर बता दें आप क्या हैसियत है आर्टिकल्स में लिखे गए इस पॉइंट की, ये वॉइड है या इनवैलिड है, ये कानून के तहत रिजेक्टेड है, जो आपका कंपनीज एक्ट है इस बात को ओवरराइड करता है, रिजेक्ट करता है, रद्द करता है, मुस्तरद करता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है इस बात की जो आर्टिकल्स में इस अंदाज में लिखी गई है, जो कानून के खिलाफ है, कंपनीज एक्ट के खिलाफ। जी आप समझ आ गया सारा?
ये सारा क्या सीन है जो अभी हमने पढ़ा, ठीक हो गया? तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब ये जुमला क्या लिखा हुआ, ये पैराग्राफ कहते हैं, अब मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में कोई भी ऐसी बात जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस के रिपग्नेंट थी, मतलब उसके ऑपोजिट थी, उसके खिलाफ थी, ठीक है, या कंपनी ने किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के रिपग्नेंट है, ऑपोजिट है, खिलाफ है, या कंपनी ने जनरल मीटिंग में या डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास किया है कि जिस रेजोल्यूशन में खिलाफ कानून बात लिखी हुई है, तो वो प्रोविजन चाहे मेमोरेंडम में है, चाहे आर्टिकल्स में है, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, चाहे किसी एग्रीमेंट में है, अरेंजमेंट में है या रेजोल्यूशन में है, अगर वो प्रोविजन जो इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, अगर वो प्रोविजन रिपगनेंट है, ऑपोजिट है, ठीक है, खिलाफ है किसके, कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के, तो वो प्रोविजन फिर क्या होगी, वॉइड होगी। ओके हो गया, समझ आ गई जी? ये पॉइंट मैंने आपको बताया। ओके, अब ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ, कहते हैं आप चाहे वो जो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स है इस किस्म का, चाहे वो कंपनीज एक्ट के वजूद में आने से पहले वो रजिस्टर्ड करवाया गया था, चाहे कंपनीज एक्ट के वजूद में आने के बाद वो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स वगैरह रजिस्टर्ड करवाए गए हैं, या वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, या वो रेजोल्यूशन पास हुई है, चाहे कंपनीज एक्ट के वजूद में आने से पहले, चाहे कंपनीज एक्ट के वजूद में आने के बाद, मतलब 2017 में ये वजूद में आया था ना, एक बेंचमार्क आपको बता दिया कि अगर कंपनीज एक्ट के ऑपोजिट को बात लिखी हुई है तो जनाब वो फिर वॉइड होगी। आगे चलें, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स टू बी गिवन टू मेंबर्स, कहते हैं अगर कोई मेंबर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्ट करे कंपनी से कि जी मुझे आर्टिकल्स की कॉपी चाहिए या मुझे या मुझे मेमोरेंडम की कॉपी चाहिए, तो वो मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करे, ठीक है, तो इसकी रिक्वेस्ट के 14 डेज के अंदर अंदर, जबकि इसने जो इस मकसद के लिए कंपनी की तरफ से फिक्स की गई फी है, जबकि उसने वो फी भी पे कर दी कंपनी, तो इसकी रिक्वेस्ट के 14 डेज के अंदर अंदर इसको वो कॉपी कंपनी सेंड कर देगी, कंपनी पे लाजिम है। लेकिन प्लीज रिमेम्बर द वर्ड मेंबर, वो मेंबर होना चाहिए कंपनी का। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एक पास पेपर का सवाल है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, इसको देखते हैं। मिस्टर जॉक इज एन एम्प्लॉई इन अ ब्रोकरेज हाउस, ये एम्प्लॉई है ब्रोकरेज हाउस का, ये कंपनी का मेंबर नहीं है, एंड ही वॉन्ट्स टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर अ कंपनी नेम्ड एज एरिजोना ग्रिल लिमिटेड। तो ये जो मिस्टर जॉक है ये बेसिकली ब्रोकरेज हाउस का एम्प्लॉई है और ये एक रिपोर्ट तैयार करना चाह रहा है एरिजोना ग्रिल लिमिटेड के ऊपर, किसी इन्वेस्टर के कहने पे, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट ही रिक्वायर्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब रिक्वायरमेंट है स्टेट वेदर ही कैन ऑब्टेन सच कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स फ्रॉम एरिजोना ग्रिल लिमिटेड एंड एक्सप्लेन व्हाई। इससे पहले कि मैं बताऊं आप लोग बताएं, क्या ये शख्स कंपनी से मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी लेने के लिए एंटाइटल्ड है? जवाब दें जी, ये नहीं है मेंबर, ठीक है, ये चूंकि कंपनी का मेंबर नहीं है, इंप्लॉय भी है, इंप्लॉय भी कहीं और है, ब्रोकरेज हाउस में है, ठीक है, और कंपनी का भी इंप्लॉय होता फिर भी इंटाइटल नहीं था, क्योंकि जो अल्फाज आपने पढ़े हैं वो अल्फाज पढ़े हैं मेंबर ऑफ द कंपनी इंटाइटल्ड है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी लेने के लिए। तो अब यहां पे देखें आप इसका जवाब देख लें, जी जी स्टॉक एक्सचेंज,
अच्छा, मतलब ब्रोकरेज हाउस वो जगह जहां पे शेयर्स की सेलिंग और बाइंग होती है, ठीक है? अच्छा, वो कह रहे हैं 14 डेज वाली कंडीशन का मतलब क्या है भाई? जिस दिन उसने रिक्वेस्ट की कंपनी को, मेंबर ने कंपनी को रिक्वेस्ट की कि मुझे मेमोरेंडम की कॉपी चाहिए, तो उस तारीख से ऑनवर्ड्स 14 डेज के अंदर अंदर फिर कंपनी इसको मुहैया करे, ठीक है? बशर्ते कि इसने फी भी पे की हो। आप समझ आ गई है? जिसने सवाल किया था भाई, समझ आ गई है 14 डेज वाले पॉइंट की? ओके, तो ये जो पास पेपर का सवाल है इसको हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया। आप जरा ये प्रॉपर रिटर्न आंसर देख लें आप। जी, जवाब पढ़ लिए? ओके, आगे चलें। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बच्चों, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, तो मेमोरेंडम में लिखी हुई बातों के लिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए उसूलों के लिए कंपनी भी बाउंड हो जाती है और कंपनी के मेंबर्स भी बाउंड हो जाते हैं। अच्छा, अब मेंबर्स दो तरह के, एक तो वो मेंबर्स हैं कि जिनके दस्तखत हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे, जिन्हें हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। तो सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो सिग्नेटरीज हैं मेमोरेंडम के और आर्टिकल के, वो तो बाउंड हैं ही हैं चूंकि उनके दस्तखत हैं। लेकिन कानून कहता है कि अदर मेंबर्स जो बाद में मेंबर्स बने, जिनके दस्तखत नहीं हैं मेमोरेंडम पे आर्टिकल पे, वो भी बाउंड हो जाएंगे, ठीक है? एज इफ दे हैड बिन साइंड बाय द मेंबर्स। मतलब अज्यूम यही किया जाएगा कि भाई आपके भी दस्तखत हैं, तो इसका मतलब है कंपनी के मेंबर्स, चाहे उनके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत हैं चाहे नहीं है, कंपनी के जो मेंबर्स बन गए वो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे अमल करने के पाबंद है, ठीक है? और इसी तरह अगर किसी एक मेंबर की वफात हो गई, तो उस मेंबर की वफात के बाद जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उसके लीगल एयर्स हैं, उनके पास शेयर आ जाते हैं ना, तो फिर वो लीगल एयर्स भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखी हुई बातों के पाबंद हो जाते हैं। ठीक हो गया जी? हाँ, एक सूरत ऐसी है कि मेंबर्स लोग जो हैं वो मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखी हुई किसी बात के पाबंद नहीं है। वो क्या है? अनलेस इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनीज एक्ट। अगर मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में कोई ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है जो कि कंपनीज एक्ट के मुतसादिम है, मुतजाद है, ऑपोजिट है, अगेंस्ट है, तो उस किसी ऐसी बात को मानने के लिए या उस पे अमल करने के लिए जो मेंबर्स हैं वो बाउंड नहीं है। जी, समझ आ गया पॉइंट? बताएं जी, बात समझ आ गई? हेलो, भाई आवाज आ रही है? ओके, पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? ओके, चले, गुड। आगे है मनी पेएबल टू बी डेट। अब जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, एक तो इसका मतलब आपको ये बताया हुआ है कि ये मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज हैं, और एक इसका मतलब ये भी है कि ये इनिशियल मेंबर्स हैं कंपनी के। अब ये जो कंपनी के इनिशियल मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, यकीनी सी बात है कि इन्होंने कंपनी से शेयर्स परचेज करने का भी वादा किया हुआ है, ठीक है? तो जिस जिस सब्सक्राइबर ने जितने जितने शेयर्स परचेज करने का वादा कर रखा है, तो उन शेयर्स की जो रकम है ना, जो पेएबल अमाउंट है,
वो इन पे डेट कंसिडर की जाएगी। इन सब्सक्राइबर्स पे वो जो रकम है ये डेट कंसिडर की जाएगी, और वो जो अमाउंट है बी पेएबल इन सच टाइम एंड मैनर एंड कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। और वो अमाउंट वो पेएबल होगी किस वक्त, किस अंदाज में और किन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, तो ये बातें कमीशन नोटिफाई करेगा। यानी कमीशन ने जो वक्त मुकरर किया कि इतने वक्त के अंदर अंदर भाई ये पैसे आप कंपनी को जमा करवा दें, तो फिर उतने वक्त के अंदर अंदर वो अमाउंट कंपनी को जमा करवानी पड़ेगी। बहरहाल एक बात तय है कि सब्सक्राइबर ने जो अंडरटेक कर रखा है, जो इकरार कर रखा है, जो प्रॉमिस कर रखा है कि जी मैं इतने शेयर्स दूंगा, मैं इतने शेयर्स दूंगा, तीसरे ने कहा जी मैं इतने शेयर्स दूंगा, तो जिस जिस सब्सक्राइबर ने जितने जितने शेयर्स लेने का इकरार कर रखा है, तो उन शेयर्स की जो रकम है, जो अमाउंट है, वो उस पर फिर कर्ज है जो उसने अदा करनी है। जी बताएं, बात समझ आ गई है बच्चों? भाई जरा बता दें सब लोग। ओके, ठीक हो गया। वॉइस लैग कर रही है। अच्छा, अब आवाज आ रही है, अब बताइएगा। अब जब मैं बोल रहा हूं, अब जब मैं बात करूं तो आवाज आ रही है। ओके, अब सही है, ठीक है, ओके, आगे चलें जी। बल्कि ऐसा करिए, एग्जांपल देख लें आप, जो अभी भी पॉइंट आपको पढ़ाया। अहमद अहमर एंड अकबर बीइंग द फाउंडर मेंबर्स ऑफ मैसर्स एक्सीलेंट प्राइवेट लिमिटेड गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ऑन 1 मार्च 2020। दे हैव गिवन द अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब 10,000 शेयर्स ईच ऑफ ₹10 पर शेयर ऑफ द कंपनी। इन तीनों में से हर एक ने ये अंडरटेक किया, इकरार किया, वादा किया कि जी हम तीनों में से हर एक 10-10,000 शेयर्स लेगा, ₹10 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है? तो आप जरा मुझे बताएं, 10,000 शेयर्स ₹10 पर शेयर के हिसाब से कितने कितने पैसे पेएबल बने? अहमद अहमर और अकबर कितने कितने रकम देने के लायबल हैं? शाबाश, सिंपल सी बात है जी, 1-1 लाख रुपए। तो ये जो 1-1 लाख रुपए की रकम है, ये फिर इनके ऊपर डेट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? अब ये इनके ऊपर डेट कंसिडर किया जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख ईच शैल बी कंसिडर्ड डेट पेएबल टू कंपनी फ्रॉम अहमद अहमर एंड अकबर ईच, एंड दिस अमाउंट मस्ट बी पेड इन सच टाइम मैनर एंड कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। ये आगे इसका जवाब आ गया जो अभी अभी आपने सवाल कर लिया। तो कितने टाइम के अंदर अंदर ये पे करना है, तो वो टाइम कमीशन जो बता देगा उस टाइम के अंदर अंदर। अगर कमीशन कह दे जनाब 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। और अभी एक सवाल आया कि जनाब अगर पहले से पे कर दिए, तो इसका मतलब है भी जब पहले पे कर दिए तो फिर तो नहीं आपने दोबारा पे करने ना, ठीक है जी? अभी जो मैंने कहा, अगर 30 डेज अगर कमीशन 30 डेज कह दे, तो इसका मतलब है 30 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फिर, ठीक है जी? अली ताहिर, अली भाई, ओके जी, आप बता दें, क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? ओके, आगे चलें। पेनल्टी कहते हैं, एनी वॉयलेशन ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय द रजिस्ट्रार शैल बी एन ऑफेंस
लाइबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल वन अगर किसी ने इसकी वॉयलेशन की, मतलब ये जो रकम जमा नहीं करवाई, तो ये फिर एक ऑफेंस होगा, जुर्म होगा, और फिर लेवल वन की पेनल्टी उस पर इम्पोज की जाएगी जिसने भी जिसने ये वॉयलेशन की है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। देखिए बच्चों, भाई ये आपने 25 लाख लिख दिया, मेरे ख्याल 25 लाख नहीं है भाई, एक सिफर आपका ज्यादा लग गया है। बोधरा लेवल्स देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा जो आपको वो मैंने स्केच बनवाया हुआ है, ठीक है, जरा फ्रेश हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। आगे चलिए, इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ऑल्ट्रेशन की जा रही है और इस ऑल्ट्रेशन के नतीजे में मेंबर्स लोगों से ये डिमांड किया जा रहा है कि आप लोग मजीद कंपनी से शेयर्स परचेज करें, या अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर्स लोगों से ये कहा जा रहा है कि जितने जितनी अमाउंट आपने पहले गारंटी की है उससे ज्यादा अमाउंट आप गारंटी करें। पहले तो मुझे ये बता दें आप सब लोग, इतनी बात समझ आ गई है इस पैराग्राफ में अब तक जो मैं बात कर चुका हूं वो समझ आ गई है, प्लीज जरा बताएं, बाकी सब लोग भी बताएं यार। अगर एक कंपनी, जी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है, अगर एक कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसी ऑल्ट्रेशन करने जा रही है कि जिस ऑल्ट्रेशन के तहत मेंबर्स लोगों से ये रिक्वायर किया जा रहा है कि आप लोग मजीद शेयर्स लें ताकि कंपनी के पास और पैसा आए, या मेंबर्स लोगों से ये कहा जा रहा है, अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर्स से ये कहा जा रहा है, ये रिक्वायर किया जा रहा है कि जितनी जितनी आपने पहले अमाउंट गारंटी की थी ना, जरा और अमाउंट गारंटी करें। अगर पहले आपने कहा था कि हम में से हर एक गारंटी देता है अप टू रुपीज 1 मिलियन, तो अब आप अप टू रुपीज 2 मिलियन की गारंटी दें। तो अगर ऑल्ट्रेशन के नतीजे में मेंबर्स लोगों से ये रिक्वायरमेंट की जा रही है तो सच ऑल्ट्रेशन शैल बी एप्लीकेबल टू अ मेंबर ओनली इफ ही गिव्स हिज रिटन कॉन्सेंट। अगर वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा तो ही उस पर ये ऑल्ट्रेशन एप्लीकेबल होगी, चाहे वो अपनी कंसेंट ऑल्ट्रेशन से पहले दे दे चाहे बाद में दे दे। जी आप बताइए, सारा पॉइंट समझ आ गया, सब लोग बताइए भाई, कंप्लीट पॉइंट समझ आ गया सब लोगों को। जी भाई वो बोनस शेयर्स भरी और बात है, यहाँ पे हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डिविडेंड की बात नहीं होगी प्यारे दोस्त, यहाँ पे सिंपल क्या कहा जा रहा है, यानी सॉर्ट ऑफ आप यूं कह लें काइंड ऑफ आप क्या मजबूर कर रहे हो मेंबर्स को कि भाई तुम और शेयर्स लो, ठीक है, तो किसी मेंबर को आप मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि वो कंपनी से मजीद शेयर्स परचेज करें। चलें इस एंगल से बात समझ आई है जो अब अल्फाज मैंने बोले हैं, बताएं ये चीज, ठीक है।
आगे चले, ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। कहता है अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन की गई है तो जाहिर सी बात है अब ऑल्ट्रेशन के बाद जो भी मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की कॉपी इशू की जाएगी किसी को, तो उस मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में, मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट में ऑल्ट्रेशन की गई थी, तो फिर जो भी कॉपी इशू की जाएगी तो उस कॉपी ऑफ मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में वो ऑल्ट्रेशन मेंशन्ड होनी चाहिए। आप यूं कह लें कि ऑल्टर्ड मेमोरेंडम या ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी इशू होनी चाहिए जो भी डिमांड करे, जिसको भी देनी है वो कॉपी। ये ना हो कि ऑल्ट्रेशन से पहले वाली ही कॉपी आप उठा के दे दें जिसमें वो ऑल्ट्रेशन मेंशन्ड ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बताइए, ये बात समझ आई? बाकी लोग भी बताएं, जल्दी रिस्पॉन्ड करें भाई, फिर अगले पॉइंट मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद है फॉर्म ऑफ, नहीं एक पॉइंट रह गया ये वाला। कहते हैं फॉर ईच कॉपी इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव, अगर कंपनी ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, ये जो अभी हमने पढ़ी है, अगर कंपनी ने कॉपी तो इशू की लेकिन लॉ की वॉयलेशन में, मतलब कॉपी इशू की है लेकिन पहले वाली कर दी है और उस कॉपी में ऑल्ट्रेशन मेंशन्ड ही नहीं है, तो ये तो वॉयलेशन हो गई ना। तो फिर जितनी कॉपीज इशू की जाएंगी, फॉर ईच कॉपी इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, तो वो फिर पेनल्टी के लायबल होगा, कंपनी भी और वो ऑफिसर भी। ठीक है जी। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर के लिए, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह होगा, किस तरह का होगा, किस किस्म का फॉर्मेट होगा उसका। तो कहते हैं शैल बी इन अकॉर्डेंस विद टेबल ऑफ फर्स्ट शेड्यूल मेंशन। तो कंपनीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में ये टेबल्स दिए हुए हैं और हर टेबल के अंदर मेमोरेंडम का और आर्टिकल्स का फॉर्मेट बताया हुआ है। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के जो आर्टिकल्स हैं वो टेबल ए के फॉर्मेट के मुताबिक होने चाहिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का जो मेमोरेंडम है वो टेबल बी के फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसके ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं ये टेबल सी के मुताबिक होने चाहिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, इसका आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों के दोनों ये टेबल डी के मुताबिक होने चाहिए, मतलब टेबल डी में जो फॉर्मेट गिवन है उसके मुताबिक, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, इसके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ये टेबल ई के मुताबिक होने चाहिए उस फॉर्मेट के मुताबिक, और जो कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42 है यानी कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का फॉर्मेट है वो टेबल एफ के मुताबिक होना चाहिए। जी बताएं, बात समझ आ गई? चलिए जी, ये है हमारा आज का टॉपिक, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं और इस तरह हमारी ये चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। ठीक है, आगे आ गए इसके एमसीक्यूज, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।